Hello dear students, my name is Manish Mandre. I'm your faculty of English language and this is the next video. And as I have told you in the previous video that on the demand of the students, I will make the further videos. So most of the students said to make the video on vocabulary. So because most of the people always feel problems while remembering vocabulary and they always complain this how to remember and how to improve our vocabulary. So they always ask to me. So that's why I am making this video. So this video is going to be very helpful for your examination as well as either you are preparing for any competitive examination or if you want to improve your English language for your daily use. So this is very important video in both the cases. So watch the full video to get the proper concepts. So इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैं जो वर्ड पावर जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ड पावर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वोकेबलरी के लिए एक बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर जो वोकेबलरी हैं जो वोकेबलरी बनती हैं उन रूट वर्ड्स के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए और ज़्यादातर एग्जाम्स में आप देखेंगे तो अगर आपने वोकेबलरी इसमें से पढ़ी हुई है और आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ने का तरीका पता है कैसे पढ़ते हैं इसको किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी वोकेबलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं उनको किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं और एक रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें न्यू वीडियोज़ के। तो इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें ताकि आपको अप्रोच समझ में आ सके कि जो वोकैबुलरी है हम उसे किस तरीके से याद करेंगे और किस तरीके से हम उसमें अपना वर्क कर सकते हैं कि अपनी जो वोकैबुलरी है वो एक तरीके से स्ट्रांग हो जाए कैसे इसको हम करें तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वर्ड आपको बताने वाला हूँ वो वर्ड है ईगो। जैसा कि आप जानते हैं जनरली सुबह से शाम तक हम इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं कि भाई ये जो ईगो जो वर्ड है इसके जो प्रॉपर यूजेस क्या हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट इंग्लिश वर्ड, ये जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पे, बट थोड़ा समझते रहिएगा कि ईगो जो वर्ड है इंग्लिश भाषा का वर्ड नहीं है। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका जो ऑरिजिन हुआ है लैटिन भाषा से हुआ है। अब देखते हैं हम ईगो से जो बनने वाले वर्ड्स हैं कितने होते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल वर्ड ईगो है, ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं एक तरीके से अहम। आपने सुना होगा कि भाई अहम जो एक वर्ड होता है उसे बोलते हैं ईगो। और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है द वे अ पर्सन थिंक अबाउट हिमसेल्फ दैट इज आई। मतलब अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई जो भी मैं कह रहा हूँ वही सही है, मतलब इन हिंदी अगर हम बात करें तो एक जो वर्ड है मैं, ये वही वाला जो एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति के अंदर आता है वो होता है ईगो। मतलब हमें लगता है कि भाई जो कुछ हम कह रहे हैं वही सही है, सो दैट इज़ ईगो। ऐसे ईगो समझ में आ गया होगा, एक नाउन होता है और इसका काम क्या है, एक तरीके से अहम को बताता है और एक तरीके से आपके जो एक तरीके से नेगेटिव वे में जो होता है। तो हम वहाँ पर जैसे हम हिंदी बोलते हैं मैं, मतलब मैं ही कोई काम कर सकता हूँ इस तरीके से, तो वो होता है ईगो। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये हुआ है ईगोटिस्टिकल। अब ईगोटिस्टिकल जो वर्ड है ये क्या है? तो सबसे पहली बात इसमें एक चीज़ आप समझ लें कि अगर किसी वर्ड में सी एल लगा हुआ है लास्ट में तो वो वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये एडजेक्टिव है एक। अब देखते हैं थिंकिंग अबाउट आई एंड लिटिल टू मच। ईगोटिस्टिकल होता है एक तरीके से जो सिर्फ ये सोचता है कि भाई मैं ही हूँ, मतलब ये एक तरीके से ईगो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा सोचता है कि भाई ईगो का जो एडजेक्टिव फॉर्म है ईगोटिस्टिकल है, मतलब कोई व्यक्ति है उसे ईगो है, उस व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सही हूँ बाकी सब लोग जो हैं सही नहीं है, और वो खुद को एक तरीके से सेंटर्ड व्यक्ति समझता है, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ही सही हूँ, तो उस पर्सन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई इन सभी वर्ड्स में। एक चीज़ आप जो कॉमन देख रहे होंगे वो कॉमन चीज़ ये है कि इसमें ईगो वर्ड आपको देखने को मिलेगा सभी वर्ड्स में। मैंने इस सर्कल के अंदर किया हुआ है ईगो। तो आई थिंक ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ईगोटिस्ट। अभी ईगोटिस्ट क्या है? ईगोटिस्ट भी एक नाउन है
और ये कुछ एक तरीके से कुछ सिमिलर टाइप की वर्ड्स हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें। कुल मिला के हम यही देख रहे हैं ईगो से बनने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। कुछ वर्ड सेम भी हो सकते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो देखिए, वन हु एक्सेसिबली थिंक अबाउट आई, मतलब ये है कि ये एक तरीके से ईगो जब बढ़ जाता है तो एक तरीके से ईगोटिस्ट बन जाता है वो व्यक्ति, जो है वो ईगोटिस्ट बन जाता है। जैसे लाइक हम बोलते हैं ही इज़ वेरी ईगोटिस्ट पर्सन, मतलब जो है एक तरीके से बहुत घमंडी टाइप का व्यक्ति है, तो उसे हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। तो ये भी एक नाउन होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ईगोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ईगोटिज्म या फिर ईगोइज्म, ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। उसमें जो एक चीज़ और आपको समझना चाहिए कि जिस वर्ड के लास्ट में आई एस एम लगा होता है, इस ये होता है एक नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ईगोटिज्म लगा हो तो वो नाउन हो जाएगा, टी एच वाई लगा हो तो वो भी नाउन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको हमें समझना होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो तो वो भी नाउन होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है, थिंकिंग एक्सेसिबली अबाउट आई, थिंकिंग एक्सेसिबली अबाउट आई, मतलब जो बहुत ज़्यादा तरीके से सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, खुद को सेल्फ सेंटर्ड समझता है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाए भाई इनके सिनोनिम्स क्या हैं, तो आप ये वर्ड्स आपको सिनोनिम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक दूसरे के सिनोनिम है एक तरीके से। फिर मैं आगे मूव करता हूँ, चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये हुआ है ईगोमैनियक। ईगोमैनियक ये एक तरीके से नाउन है। थिंकिंग अबाउट आई वे टू मच, मतलब इसमें आपको ये चीज़ समझना है कि किसी वर्ड में अगर ये वर्ड लग गया है मैनिया, ये वर्ड आपको कहीं पर भी अगर देखने को मिलता है, तो मैनिया एक तरीके से इट इज़ कंसीडर्ड लाइक डिसीज़। किस तरीके से होता है, ये डिसीज़ की तरह हो जाता है, मतलब एक बीमारी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी व्यक्ति का ईगो जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हम उसे कंसीडर करेंगे एक तरीके से मैनिया, उसे जो है मैनिया हो गया है, उसे हम मैनिया में कंसीडर करेंगे। तो इसी आप समझ गए होंगे कि ईगो मैनियक, मतलब इसका जो ईगो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है किसी व्यक्ति का, तो हम उसे मैनिया में कंसीडर कर लिया, उसे एक बीमारी में हमने कंसीडर कर लिया, तो इसलिए हम बोलते हैं ईगो मैनियक। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कॉमन चीज़ आप देख रहे हैं वो ईगो है। अभी तक ईगो ख़त्म नहीं हुआ है, मैं ईगो से ही सारे वर्ड्स बता रहा हूँ। ईगो से मैंने आपको 5 वर्ड्स बता चुका हूँ, मैं आपको भी यहाँ पे 6 नंबर का जो वर्ड है उसको बता रहा हूँ, ईगो मैनियकल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सी ए एल किसी वर्ड के लास्ट में लग जाता है तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो देखिए मैंने लिख कर भी दिया हुआ, नाउन के लिए यहाँ पर एन है और एडजेक्टिव पर यहाँ पर ए डी जे बनाया हुआ मैंने। तो ईगो मैनियकल इसमें भी सेम थिंग है, ऑफ थिंकिंग अबाउट आई वे टू मच, मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा सोच, हम बोलते हैं कि दे आर वेरी ईगो मैनियकल, वो जो है बहुत ज़्यादा ईगो मैनियकल है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से घमंड है, तो वो होता है ईगो मैनियकल। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर ईगो, तो काफ़ी अच्छा वर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी आप देखेंगे तो ईगो वर्ड इसमें भी शामिल है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ईगो पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। सारे वर्ड जो भी मैं आपके यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब ईगो से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक तरीके से सुपर ईगो जो वर्ड, सुपर ईगो का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो सोचने समझने का एक शक्ति जो होती है उसे बोलते हैं सुपर ईगो। जैसे सपोज दैट यू आर मेकिंग अंडरस्टैंड समबडी, आप किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं समझ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ही हैज़ लॉस्ट हिज सुपर ईगो, मतलब उसने अपने सोचने समझने की जो शक्ति है वो खो दी है, तो वो होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब किसी भी चीज़ को सोचना समझने की जो शक्ति होती है दैट इज़ कॉल्ड सुपर ईगो। तो जब भी आप ये पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पेन पेपर साथ में लेकर भी बैठे नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है बट मैं हिंदी में उसके मीनिंग्स को बताता जा रहा हूँ। तो अगर आपको मीनिंग्स में प्रॉब्लम है तो आप उनको नोट डाउन करते जाएँ और लिखते जाएँ, इससे क्या होगा आपके नोट्स भी कवर अप होते जाएंगे, नोट्स भी बनते जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी भी क्लियर होती जाएगी। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप, सुपर ईगो मतलब होता है एक सोचने समझने की शक्ति हमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड सुपर ईगो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये भी एक नाउन है, नाउन के लिए मैंने एन बनाया हुआ है तो इसको समझते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड एल्टर ईगो,
एल्टर ईगो, इसको देखना है। तो भाई एल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वॉजम फ्रेंड। वॉजम फ्रेंड, वॉजम का मतलब होता है हिंदी में एक तरीके से घनिष्ठ मित्र। तो जो घनिष्ठ मित्र होगा हमारा, उसको हम बोलते हैं वॉजम फ्रेंड। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि वॉजम फ्रेंड क्या है, एक घनिष्ठ मित्र। तो जो घनिष्ठ मित्र होता है उसको हम बोलते हैं बॉजम फ्रेंड, मतलब जो बहुत ज़्यादा हमको प्रिय हो, बॉजम फ्रेंड। या फिर इन अदर वर्ड्स आप उसे कह सकते हैं एल्टर ईगो। एल्टर ईगो ये पूरा वर्ड एक साथ है, इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना कि होता है क्लोज फ्रेंड, मतलब एल्टर ईगो। तो आई होप कि चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास दिया हुआ, हम इसको समझते हैं, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, तो देखिए भाई, अगर किसी भी वर्ड में ये जो वर्ड आ गया सेंट्रिक, मतलब अब ये जो है लिमिट से बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब एक्सटेंड तक ये पहुँच चुका है एक तरीके से। और अदर वर्ड्स में आप इसे कह सकते हो स्लाइटली मेड, मतलब थोड़ा सा जो सनकी टाइप के व्यक्ति है उसे हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। स्लाइटली मेड मतलब थोड़ा सा पागल टाइप का हम बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का जो ईगो है इस लेवल पर आ गया है या हम उसे थोड़ा सा सनकी टाइप का समझने लगे। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझाते हो बट वो नहीं मानता है, हो सकता है उसके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता हो, तो उसे हम बोलते हैं एक तरीके से ईगो सेंट्रिक, कि आप उसे कितना भी समझा दो बट वो नहीं समझेगा। होल्डिंग द व्यू दैट द ईगो इज द सेंटर ऑब्जेक्ट एंड नॉर्म ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, मतलब उसको लगता है कि भाई जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस वही सही है, तो उसे हम बोलेंगे ईगो सेंट्रिक पर्सन। और ये भी एक एडजेक्टिव है, वो किसी वर्ड में अगर सेंट्रिक TRIC लगा है तो ये भी एक एडजेक्टिव होता है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अभी आप पहचान कैसे कर पाएंगे कि एडजेक्टिव है कि नाउन है या वर्ब है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ईगो सेंट्रिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म है और ये यहाँ पर नाउन फॉर्म है, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब कुल मिलाकर जो एक तरीके से एक पागलपन की तरह हो गया है अगर आप किसी व्यक्ति का ईगो, तो उसको हम कंसीडर करने लगते हैं सेंट्रिक में, एक तरीके से सेंट्रिज्म में आ जाता है वो। इसी आप समझ गए होंगे कि ईगो सेंट्रिक का यूज़ कहाँ पड़ता है और कहाँ पर नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ईगो है। ईगो अभी भी इन वर्ड्स में चल रहा है, मतलब ये है कि याद करने के लिए ये बहुत आसान है। आपको सिंपली आपको क्या वर्ड याद रखना है, ईगो। तो अभी तक जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ वो सारे वर्ड्स ईगो पे ही रिलेटेड हैं। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अहम भी बोलते हैं, कई बार हम इसको घमंड भी कह सकते हैं। तो ये होता है ईगो। तो ईगो से रिलेटेड मैंने आपको अभी तक इतने सारे वर्ड्स बता चुका हूँ, आगे मैं और भी वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। सो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है पैथी। तो देखिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर पैथी लगा हुआ है तो एक तरीके से ये वर्ड बना हुआ है लैटिन भाषा के वर्ड से पैथोस, ठीक है। तो जो पैथोस जो वर्ड है लैटिन भाषा का, उससे बना हुआ है पैथी। और पैथी जो है एक नाउन है, ये एक नाउन है, मैंने आप लिख के दिया हुआ है। इसमें फीलिंग्स की बात होती है। पैथी का मतलब होता है पैथोस से बना हुआ है, लैटिन भाषा का वर्ड इससे बना हुआ है पैथी, और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं फीलिंग। तो मतलब जब भी फीलिंग की बात होगी, पैथी वर्ड है तो फीलिंग को डिनोट करेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे बोला ईगो पैथी हॉस्टाइल बिहेवियर ड्यू टू अ साइकोपैथिकली एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। मतलब यह है कि ईगोपैथी जस्ट लाइक समबडी गेट्स ईगोसेंट्रिक टाइप, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, मतलब ईगो वाली अगर फीलिंग किसी व्यक्ति के अंदर आ गई है तो उसको हम बोलेंगे ईगोपैथी। मतलब उस स्टेट को, उसको जो स्टेट है जो, उसको बोला जाता है ईगोपैथी। तो ये चीज़ आप समझ होंगे एक नाउन है, मतलब ऐसी फीलिंग अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ रही है तो उस फीलिंग को कहा जाएगा ईगो पैथी। गॉट इट। आगे मूव करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये हुआ है एल्ट। एल्ट का मतलब क्या है? एल्ट का मतलब होता है अनदर, मतलब दूसरा, ऑल्टरनेट जो वर्ड बना इसी से बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं इससे बनने वाले वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ हमारे पास एल्टरकेशन। अब ये एल्टरकेशन क्या होता है? ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया वर्ड है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में पूछा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब इसको देखते हैं हम, अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट क्वारल, मतलब जो क्वारल जो होता है, क्वारल जो वर्ड है इसका मतलब होता है झगड़ा। तो आपसे जो हम बात करते हैं, जो झगड़ा होता है, एक तरह नॉर्मल झगड़ा जो होता है, उससे बहुत ज़्यादा वाद विवाद अगर बढ़ गया है तो एक तरीके से एक हम कह सकते हैं कि फिजिकल अब्यूज़ भी हो सका है। तो फिजिकली भी एक दूसरे का किसी लड़ाई हो रही है तो हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो जो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन आप समझ गए होंगे कि अल्टरकेशन क्या है। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको बोला जाता है अल्टरकेशन। देखते हैं हम आगे इसके मीनिंग्स को कि भाई इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो। देखो रॉ, कॉन्टेस्ट, कंटेंट, आर्ग्यूमेंट, इम्पग्न, चैलेंज, कंप्लीट, कंट्रोवर्सी और डिबेट। बट इस चीज़ में एक ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा जो आपका नॉर्मल क्वारल होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है। किसी से बहुत ज़्यादा वाद विवाद अगर हो गया है तो उसे हम बोलते हैं अल्टरकेशन। अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं से कोई सा सुनने में अगर आपको देखने को मिलता है कंटेस्ट, कंटेंट, आर्ग्यूमेंट, इम्पग्न, चैलेंज, कंप्लीट, कंट्रोवर्सी, डिबेट, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन जो वर्ड, इसका मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ चेंजेस, मतलब एक तरीके से सुनने में हो जाएगा अल्टरनेट, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का कोई चेंजेस अगर हो रहा हो तो हम बोलते हैं अल्ट्रेशन। इसमें कह सकते हैं देयर कैन बी सीन अल्ट्रेशन इन द वेदर ऑफ द सिटी। तो इस सिटी के वेदर में हम अल्ट्रेशन देख सकते हैं, एक तरीके से चेंजेस देख सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि देयर मे बी सम अल्ट्रेशन इन समवन्स बिहेवियर, तो किसी की जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसमें भी अल्ट्रेशन हो सकता है, उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम इसको जो अल्ट्रेशन है वो एक तरीके से क्या है। तो अल्ट्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब है हिंदी में परिवर्तन। तो जो परिवर्तन की अगर मैं बात करूँगा तो वो हो जाएगा अल्ट्रेशन। ये चीज़ आप समझिए कि अल्ट्रेशन क्या होता है। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। अल्ट्रेशन इज क्लियर? किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आती है, आपको कोई समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं नीचे। इसके जो सिनोनिम्स हैं एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिनोनिम क्या है? एक्सचेंज, मॉडिफाई, अल्टर और मॉडिफिकेशन। तो ये सारे वर्ड जो मैं आपको पहले भी एक बार डिस्कस कर रहा था इसी में, तो किसी भी टाइप का जो चेंजेस होता, परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं हम अल्ट्रेशन। अब आगे बात करते हैं अल्ट्रस्ट। अभी जो अल्ट्रस्ट है, अल्ट्रस्ट क्या है? वन हु लिव्स ऑल द लग्जरीज फॉर सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। अगर नहीं पता हो तो आप इसको लिख लेना, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। मतलब जो एक तरीके से इनर पीस के लिए, आत्म शांति के लिए और सेल्वेशन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, उसे बोलते हैं अल्ट्रिज्म। मतलब अल्ट्रस्ट उस व्यक्ति को बोलेंगे और अल्ट्रिज्म उस स्टेट को बोलेंगे। तो दिस इज अल्ट्रस्ट, एक ऐसा व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, दूसरों के हित के लिए जो काम करता है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रस्ट। लाइक जैसे मॉन्क्स वगैरह होते हैं, जो एस्केटिक्स होते हैं, तो उनकी बात हो। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो मॉन्क तो आप जानते हैं मॉन्क क्या होता है, साधु, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। कोई भी साधु जो है वो अल्ट्रस्ट हो सकता है, और जरूर नहीं कि साधु हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहा है उसे बोल रहे हैं अल्ट्रस्ट। इसके कुछ सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं तो आप उनको भी देखिए। सिनोनिम है एस्केटिक, जनरस और मॉन्क। तो एस्केटिक है जो अपना सब कुछ छोड़ दिया, इसको साधु भी कह सकते हैं, मॉन्क भी कह सकते हैं, और एस्केटिक भी कह सकते हैं, जनरस भी कह सकते हैं, मॉन्क भी कह सकते हैं। तो ये होता है अल्ट्रस्ट।
तो आई थिंक एल्ट्रस्ट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। सो देखिए गाइस, अभी हम जो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्ट्रस्म। देखिए, इन सिंपल वर्ड में आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, एल्ट्रस्म जो वर्ड है एक नाउन होता है। अब ये नाउन किस चीज़ का नाउन है, इसमें कैसे काम करता है, इसका काम क्या है, उसको हम समझते हैं। अब इससे पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था एल्ट्रस्ट। एल्ट्रस्ट मैंने आपको वर्ड बताया, तो एल्ट्रस्ट वो व्यक्ति होता है जो बहुत सीधा साधा सिंपल जीवन जीता है। एस्केट भी कह सकते हैं उसको, मॉन्क भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम उसको साधु कहते हैं। तो वो होता है एल्ट्रस्टिक। अब वो जीवन शैली जो वो जीते हैं, उस जीवन शैली का नाम क्या है, वो है एल्ट्रस्म या फिर स्केटिज्म। ये दोनों इसके सरनेम्स हो सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा है कि भाई एल्ट्रस्म का सरनेम क्या हो जाएगा, तो इसका जो आप सरनेम लगाएंगे वो हो जाएगा एस्केटिक। समझ गए आप इस बात को, मतलब बहुत सिंपल सादा लाइफ स्टाइल जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्केटिज्म या फिर एल्ट्रस्टिक। ये बात समझ गए होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास दिया हुआ है वो है एल्ट्रस्टिक। एल्ट्रस्टिक मैंने आपको इससे पहले बताया था, एल्ट्रस्टिक TIC जिस वर्ड में लगा होगा वो होगा आपका एडजेक्टिव। अब ये वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे सिमिलर टाइप के वर्ड हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है कि एक एडजेक्टिव फॉर्म है। किसका है? एल्ट्रस्म का एडजेक्टिव फॉर्म होता है एल्ट्रस्टिक। आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। ये वर्ड सिमिलर है, मीनिंग सेम है, बट एक नाउन है तो एक एडजेक्टिव है। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पर यहाँ पर मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड भी है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ मैंने जो है अनदर। अनदर मतलब दूसरा। ऑल्टरनेट मतलब दूसरा या फिर वैकल्पिक। तो हमारे पास वैकल्पिक कोई भी चीज़ है तो हम उसे बोलते हैं ऑल्टरनेट। जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैव ऑल्टरनेट ऑफ दिस ऑफ माई जॉब, तो मेरे पास मेरी जॉब का एक ऑल्टरनेट भी है, मतलब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्टरनेट। और फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकते हैं, जैसे वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो मतलब हमारे पास अभी मोदी जी के अलावा दूसरा कोई इंडियन पॉलिटिक्स में उनका ऑल्टरनेट हमारे पास है ही नहीं अभी फिलहाल में, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अनदर या फिर दूसरा या फिर वैकल्पिक। ये बात आप समझ गए होंगे कि ऑल्टरनेट क्या होता है। तो देखिए आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये एल्टर ईगो। एल्टर ईगो वर्ड ये रिपीटेड, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्टर ईगो एक्चुअल में है क्या। एल्टर ईगो वर्ड का मतलब क्लोज फ्रेंड या फिर बॉसम फ्रेंड, एक जो घनिष्ठ मित्र हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्टर ईगो। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, एल्टर ईगो एक तरीके से जो घनिष्ठ मित्र है, जो हमारा क्लोज फ्रेंड होता है, उसको हम एल्टर ईगो बोलते हैं। आप अपने सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, इंटरनल जिससे कनेक्शन होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एल्टर ईगो। तो आई थिंक यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एल्ट से रिलेटेड जितने वर्ड मैंने आपको बताए हुए हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। तो मैं आपको यहाँ पे रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ऐसा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इनको बहुत ईजीली टैकल कर पाएंगे। तो देखिए अभी जो हमारे पास वर्ड दिया हुआ है वर्टो, अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। भी देखिए ध्यान से समझिए, वर्टो वर्टो जो वर्ड, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्टली आपकी समझना है वर्टो का मीनिंग क्या। वर्टो का मतलब होता है टर्न। तो वर्टो का मतलब क्या है? टर्न। एक तरीके से टर्न का मतलब होता है मुड़ना, किसी भी तरफ मुड़ जाना, वो होता है वर्टो। अब बनबापन सबसे पहले हमको समझ लेने का एक ऑरिजिन क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास दिया हुआ है वो है आपका इंट्रोवर्ट। राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं, आप समझ लीजिएगा। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो किसी से कोई शेयर नहीं कर सकता है या शेयर करना नहीं चाहता, जो लोनलीनेस को पसंद करता है। अब ये बना कैसा है? इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, जो किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करता, वो इंटरनली अंदर अंदर सोचता रहता है, तो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टर्न। तो इसका जो झुकाव होता है वो खुद की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, किसी से कोई बात शेयर नहीं करता। अब ये जो वर्ड है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे सपोज दैट अब कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है,
तो ये पॉजिटिव टर्म में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। साइंटिस्ट है तो वो लॉन्लीनेस पसंद करेगा किसी भी टाइप की रिसर्च करने के लिए, किसी भी रिसर्च कल वर्क करने के लिए वो एक तरीके से लॉन्लीनेस को पसंद करेगा। तो हम इसको नेगेटिव वर्ड नहीं मान सकते, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट और एज़ पर द टाइम। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी से अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर सकता या शेयर करना नहीं चाहता या किसी तरीके से कुछ बताना नहीं चाहता, लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता और एकांत में रहना, लॉन्लीनेस में रहना ये पसंद करता है, तो वो होता है इंट्रोवर्ट। सो ये चीज़ आप समझिए हम गए थे, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। तो दिस इज इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट वी हैव एक्सट्रोवर्ट। अब हम इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए ये जो वर्ड दिए हुए हैं पर एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो का मतलब होता है एक तरीके से बाहरी, मतलब हम कह सकते हैं इसको कि आउटवर्ड। अगर कोई भी चीज़ आउटवर्ड है तो वो हो जाएगी आपकी एक्स्ट्रो, मतलब आउटवर्ड, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि लोगों के बीच में जाना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स्ट्रोवर्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा, लोगों के साथ रहना पसंद करेगा, तो उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रोवर्ट। अब एक्स्ट्रोवर्ट कौन कौन हो सकते हैं बाय प्रोफेशन, अगर यहाँ पर देखें तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा टीचर, टीचर इज़ एन एक्स्ट्रोवर्ट, टीचर एक एक्स्ट्रोवर्ट होता है। एक्स्ट्रोवर्ट क्यों होता है, बिकॉज वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में जाता है और बहुत सारे लोगों से मिलता है और लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, पूरे टाइम लोगों से बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करता है, अपने थॉट्स को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, सो दैट इज़ एक्स्ट्रोवर्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोई पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन जो होता है वो भी एक तरीके से लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रोवर्ट। सपोज दैट कोई इंश्योरेंस एजेंट है, तो जो एजेंट होगा वो भी लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रोवर्ट। इन सबको हम कंसीडर करेंगे किसमें, इन सबको हम एक्स्ट्रोवर्ट में कंसीडर करेंगे। सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी, इट्स वेरी क्लियर, दिस इज एक्स्ट्रोवर्ट, गॉट इट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद करता है, अपने आइडियाज़ को शेयर करना पसंद करता है, वो लोगों की कंपनी को पसंद करता है, क्राउड में जाना पसंद करता है, वो होता है एक्स्ट्रोवर्ट व्यक्ति। अब किसी वर्ड में अगर एक्स्ट्रो लगा मतलब बाहरी, इंट्रो लगा मतलब अंदरूनी, और वर्टो मतलब एक तरीके से उसका झुकाव किस तरफ है, ये समझाता है वर्टो से, हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये हुआ एम्बीवर्ट। अब आपको समझना है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट की प्रॉपर्टी क्या है सबसे पहले हम वो समझ लें। तो देखिए ये जो एम्बीवर्ट है, एमबी का मतलब क्या है पहले वो समझें। एमबी का मतलब होता है बाय, बाय का मतलब होता है टू, मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये दोनों विशेषताएं हैं, अगर वो उसमें कभी कभी वो रिएक्ट करता है इंट्रोवर्ट की तरह और कभी कभी रिएक्ट करता है एक्स्ट्रोवर्ट की तरह, तो उसको हम कॉमन वर्ड उसके लिए कह सकते हैं एम्बीवर्ट, वो हो जाएगा आपका एम्बीवर्ट, मतलब वन हु पजेस बोथ क्वालिटीज, जिसमें कि दोनों क्वालिटीज होती हैं उसे हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है उसे बोला जाएगा एम्बीवर्ट, मतलब ये जरूरत पड़ने पर चीज़ों से वो शेयर भी करता है लोगों से, लोगों से मिलता भी है, और कभी कभी ये कुछ चीज़ों को शेयर नहीं भी करता, ये लोनलीनेस में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो वो होता है एम्बीवर्ट। तो आई थिंक ये जो एम्बीवर्ट वर्ड है, वर्डों से रिलेटेड आपको जो भी वर्ड्स थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। अगर कोई भी इशू हो तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो फिर से बता रहा हूँ, इंट्रोवर्ट मतलब वो व्यक्ति जो लॉन्लीनेस में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करता, एकांत में रहना पसंद करता है, वो होता है इंट्रोवर्ट। एक्स्ट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना पसंद करता है, होता है एक्स्ट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट वो व्यक्ति होता है जो जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है, इंट्रोवर्ट की क्वालिटी भी होगी इसमें और एक्स्ट्रोवर्ट की भी क्वालिटी होगी, मतलब ये कभी कभी मिलेगा भी और कभी कभी नहीं भी मिलेगा।
तो वो होता है एम्बिवर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। सो देखिए गाइस, अभी जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इसमें हम देखते हैं कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लें कि डेक्स्ट्रस एक्सेल में होता क्या है। तो देखिए, ये जो डेक्स्ट्रस वर्ड है ये लैटिन और ग्रीक से लिया गया वर्ड है। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, डेक्स्टर और इसी से बना है डेक्स्ट्रस। तो जो लैटिन में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति राइट हैंड को यूज़ करता है तो राइट हैंड को यूज़ करने वाले को माना जाता है ज़्यादा स्किल्ड। क्या माना जाता है? स्किल्ड। एक तरीके से कहा जाता है कि ये कुछ ज़्यादा समझदार होता है। जो डेक्स्टर्स जो राइट हैंड यूज़ करता है उसके अंदर ज़्यादा स्किल्ड होती है, ज़्यादा निपुण होता है, वो काम करने में ज़्यादा सक्षम होता है, वो उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रस। राइट हैंडेड को यूज़ कर जो राइट हैंड यूज़ करता है। और यही रीज़न है कि इसको इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा गया है स्किल्ड। मतलब ये है कि वो उसका जो राइट हैंड यूज़ करने वाला है उसको अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है एक तरीके से वहाँ पे ग्रीक में, तो उसको हम डेक्स्ट्रस कहते हैं और उसी वजह से उसका नाम पड़ गया स्किल्ड। तो इंग्लिश में उसको स्किल्ड कहते हैं और जनरली उसको स्किल्ड के फॉर्म में इसको पढ़ा जाता है और डिक्शनरी में भी आपको स्किल्ड इसका मिलेगा। मैंने आपको ऑरिजिन इसका बताया। आगे देखते हैं हम, अब इसमें हम देखते हैं डेक्सटेरिटी। अब डेक्सटेरिटी क्या है? डेक्सटेरिटी एक नाउन है और ये स्किल को डिनोट करता है, एप्टनेस को डिनोट करता है। इसका एक और सुनने हो जाएगा एप्टनेस, निपुणता। इसको हिंदी में बोलते हैं निपुणता। तो आप लिखते रहिएगा, मैं आप इसमें बोलता रह जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं उसको, लिखते भी रहिएगा। तो डेक्सटेरिटी मतलब स्किल या फिर एप्टनेस, निपुणता किसी चीज़ में, वो होता है डेक्सटेरिटी। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं डेक्स्ट्रस। अब डेक्स्ट्रस क्या है? स्किल्ड या एप्ट। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा विशेषताएँ हैं, गुण हैं उसके अंदर, तो हम उसे बोलेंगे एप्ट या फिर डेक्स्ट्रस या फिर स्किल्ड। ये बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है एम्बिडेक्स्ट्रस। जैसा कि मैंने आपको अभी एम्बिवर्ट बताया था, एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ, दोनों। डेक्स्ट्रस मतलब हाथ, हैंड, मतलब दोनों हाथों को अगर वो एक दाहिने हाथ की तरह यूज़ कर सकता है कोई व्यक्ति, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपने थ्री डिजिट का वायरस देखा होगा। थ्री डिजिट में जो वायरस जो होता है वो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को सेम टाइम पे एक जैसे यूज़ कर सकता है, तो दैट इज़ एम्बिडेक्स्ट्रस। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर सकता है उसे बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। अब इसके उस सुनोनिम भी ये हुआ मैंने यहाँ पे बाइडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथों को सेम टाइम पे सेम तरीके से यूज़ कर सकता है, वो होता है बाइडेक्स्ट्रस। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि वन हुज बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स, मतलब जिसके दोनों हाथों में स्किल होती है, जो दोनों हाथों को सिमिलर तरीके से यूज़ कर सकता है, वो होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। डेक्स्ट्रस रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप समझ गए होंगे। फिर मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मिशन। मिशन ये जो वर्ड है ये ग्रीक और लैटिन भाषा का वर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रीक और लैटिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भाषा रही है, और ब्रिटेन में सबसे पहले इंग्लिश से पहले ग्रीक और लैटिन भाषा की यूज़ होता था सबसे ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी जो यहाँ पे आई हुई है इंग्लिश में, वो वोकैबुलरी आपकी ग्रीक और लैटिन से ही ली हुई है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है टू हेट, एक तरीके से नफरत करना। मिशन मतलब टू हेट। अब मिशन से हमने मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया है। मिशन से वर्ड कौन कौन से बने हैं पहले अपन को देख लीजिए। मिशन इसको मॉडिफिकेशन करके हमने बनाया मिसो। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें किसी भी वर्ड के पहले मिसो वर्ड का यूज़ हुआ है, तो आप समझ लेना कि ये दिस वर्ड इज़ नॉट पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। ये वर्ड हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और किसको डिनोट करेगा? टू हेट, मतलब एक तरीके से ईविल, ये बुराई को ही डिनोट करेगा। ये चीज़ आप समझ लेना। अब इससे जो वर्ड बने हैं हम उनको समझते हैं वन बाय वन। हमने अब देखा मिस एंथ्रोप या मिस एंथ्रोपिस्ट, दोनों वर्ड सिमिलर हैं, दोनों का मतलब एक ही है, एक दूसरे के सुनने में हो सकते हैं।
वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब ये कैसे हुआ इसको भी समझते हैं। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड के पहले अगर आप मिसो वर्ड का यूज़ कर रहे हो, मिसो मतलब टू हेट। अब हमने अब देखा एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है इंसान। तो एंथ्रोपोस मिसो मतलब हेट, एंथ्रोपोस मतलब ह्यूमन। तो इससे एक चीज़ निकल कर आती है कि वन हु हेट मैनकाइंड, मतलब जो इंसानों से नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप या मिसएंथ्रोपिस्ट, दोनों चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मिसएंथ्रोप या मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई भी चीज़ जो मैनकाइंड से, इंसानों से नफरत करती है, वो होता है मिसएंथ्रोपिस्ट या फिर मिसएंथ्रोप। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सारे इनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? मिसेन वर्ड, मिसेन वर्ड जो लैटिन ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो मिसएंथ्रोपी, मिसएंथ्रोपी एक नाउन फॉर्म है, मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसके अंदर ये भावना है, ये फीलिंग है, तो उसे हम बोलेंगे मिसएंथ्रोपी है। जैसे आपको ये मिसएंथ्रोपी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज़ मिसएंथ्रोपी टूवर्ड इंडिया। तो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि उसके अंदर बुरी भावना है इंडिया के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड मिसएंथ्रोपी, मतलब जो प्रैक्टिस होती है, जो एक्चुअली जो हैबिट होती है ऐसा करने की, उसे हम बोलते हैं मिसएंथ्रोपी। क्योंकि देखिए हर चीज़ का हिंदी वर्ड जरूरी नहीं है, क्यों, बट कुछ चीज़ें आपको सिचुएशन वाइज ही समझनी होती है। एग्ज़ाम में कभी हिंदी वर्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इस तरीके से आपसे बने वर्ड में पूछा जा सकता है कि वॉट इज़ मिसएंथ्रोपी। तो प्रैक्टिस और एक्ट ऑफ ईविल, मतलब अगर आप किसी का बुरा करते हो, बुरा करने का जो एक्ट होता है उसे हम बोलते हैं मिसएंथ्रोपी। तो इसी आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पर समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये हुआ मिसोगैनिस्ट, मिसोगैनिस्ट। अब ये आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा अब ये वर्ड कैसा है। आपको ये चीज़ तो पता है कि मिसो का मतलब होता है टू हेट। अब लैटिन भाषा में गायन एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गर्ल या फिर बीमन। इससे रिलेटेड आपने कितने सारे वर्ड सुने होंगे। जैसे आपने ये भी सुना होगा गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट जो होता है वो बीमेंस का डॉक्टर, बीमन डिसीज का डॉक्टर होता है। तो गायन जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, गर्ल्स को या बीमन को जो है गायन कहा जाता है वहाँ पे। मिसो का मतलब हेट होता है, मिसोगैनिस्ट का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बीमन को या किसी गर्ल्स को हेट करता हो किसी भी तरीके से, या उसके माइंड में वो इमेज बन गई है हेट वाली उनके लिए, तो उसे हम बोलेंगे मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट वन हु हेट बीमन, जो बीमन को हेट करता है उसे बोलेंगे मिसोगैनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड मिसोगैम, मिसोगैम मतलब वो व्यक्ति होता है। अब ये कहाँ से आया उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिएगा ये चीज़ तो आपको पता है कि मिसो का मतलब होता है टू हेट। अब एक वर्ड होता है गैमोस, लैटिन और ग्रीक भाषा का वर्ड भी गैमोस। गैमोस का मतलब होता है टू मैरी, मैरी मतलब मैरिज, शादी करना। इसी से हमने मॉडिफिकेशन करके बनाया है गैमी, गैमी मतलब होता है शादी। तो गैमी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन हो गया। इससे जो व्यक्ति शादी करता है उसे हम गैम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिसो गैम, इससे दो चीज़ आपको समझ में आएंगी। किसी वर्ड के पहले अगर मिसो लगा है तो आप समझ जाएंगे कि वर्ड जो है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और अगर किसी वर्ड के साथ गैम, ये वर्ड मतलब गैमी जो वर्ड है, ये अगर आपको रूट वर्ड दिखता है किसी भी वर्ड में, तो समझ लेना कि वहाँ पर मैरिज से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर बोला मिसोगैम, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। तो मैरिज के इंस्टीट्यूट से अगर कोई नफरत करता है तो उसे बोलते हैं मिसोगैम। तो अब देखिए इस गैमी वर्ड से और भी कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बोला बायगैमी, बायगैमी हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलीगैमी, एक वर्ड और बनता है इससे मोनोगैमी। ये तो वर्ड बने हुए हैं।
सॉरी वर्ड बनते हैं, बायगैम होता है, मोनोगैम होता है, पॉलीगैम होता है, ये सॉरी वर्ड बन जाते हैं। बाय का मतलब दो, गैमी मतलब शादी। तो एक ऐसी प्रथा, ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें दो शादी करना एक तरीके से परमिटेड हो, अलाउड हो, उसे बोलते हैं बायगैमी। मोनोगैमी एक ऐसी प्रथा और ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें एक ही शादी करने की परमिशन हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब एक ऐसी प्रथा या ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें एक से ज़्यादा शादी करने की परमिशन दी हो। और जनरली ये जो वर्ड्स दिया रहता है, ये दिया रहता है कि मेल के लिए, भी कोई मेल है जो एक से ज़्यादा शादी कर रहा है तो उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। बट सपोज दैट अगर कोई वीमेन है, और कोई वीमेन अगर है वो एक से ज़्यादा शादी करती है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉलीएंड्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लैटिन और ग्रीक भाषा में जो बॉयज़ होते हैं उनको कहा जाता है एंड्रोस, और एंड्रोस से हमने यहाँ पर बनाया एंड्री। तो पॉली एंड्री मतलब एक ऐसी वीमेन जो दो से ज़्यादा लोगों से शादी करती है, उसे बोलते हैं पॉली एंड्री। तो आई थिंक ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ पर। फिर हम आगे मूव करते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर जो भी जो वोकैबुलरी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, इस पर आप ध्यान दीजिए, इस पर आप वर्क कीजिएगा। और इससे रिलेटेड और भी मैं आपको मल्टीपल वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे रूट्स हैं जिनसे रिलेटेड मैं आपको वोकैबुलरी बताता रहूँगा, उस पर और भी वीडियोस आते रहेंगे। बट उसके लिए आप मुझे बताते रहें कमेंट करके कि आपको किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो आपको कैसा लगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इससे और अच्छी न्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अगर कोई भी डाउट या कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, और लॉकडाउन में पूरा यूज़ करें, और अपनी इंग्लिश को और अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं उन सबको बहुत ज़्यादा वर्क करें।